हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अंकित एडिट जोन में। आज हम आप लोगों को कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। व्हाट्सएप गाइस, सबसे पहले आप अपने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा फ़ोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो चुका है। तो हम आप लोगों को सीधा एडिट करना बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर लेंगे 30, हाइलाइट्स की वैल्यू को कर लेंगे 35 और शैडोज की वैल्यू को कर लेंगे 47, वाइट्स की वैल्यू को कर लेंगे 38, ब्लैक्स की वैल्यू को कर लेंगे घटा करके -34 और फिर इसको करेंगे डन। और फिर कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वाइब्रेंस की वैल्यू को कर लेंगे 61 और फिर इसके बाद मिक्स टूल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रेड कलर की सिचुएशन वैल्यू को कर लेंगे 63, ऑरेंज कलर पे आएंगे सिचुएशन की वैल्यू को कर लेंगे -25, ह्यू की ल्यूमिनेंस की वैल्यू को कर लेंगे 44, नेक्स्ट येलो कलर पे आएंगे, ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100, सिचुएशन की वैल्यू को भी कर देंगे -100, ल्यूमिनेंस की वैल्यू को कर देंगे -28, नेक्स्ट ग्रीन कलर पे आएंगे, सिचुएशन की वैल्यू को भी करेंगे -100, ह्यू की वैल्यू को भी करेंगे -100, ल्यूमिनेंस की वैल्यू को करेंगे -49 और फिर स्काई ब्लू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सिचुएशन की वैल्यू को कर देंगे -100 और फिर इसको कर देंगे डन। और फिर क्लियर इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लियरिटी की वैल्यू को कर देंगे 34, डीहेज की वैल्यू को कर देंगे 46, विकनेट की वैल्यू को कर देंगे -46 और मिड पॉइंट की वैल्यू को कर देंगे 39 और फीडर की वैल्यू को बढ़ा करके कर देंगे 84 और फिर इसको करेंगे डन। इसके बाद डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को करेंगे 41, कलर नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को करेंगे 52। ये देखिए, हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह से एडिट हो चुकी है, बहुत ही आसान तरीके से। अभी एक स्टेप बाकी है, ये स्टेप बहुत ध्यान से देखना। फिर इसके बाद में प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और फिर इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फ़िल्टर देखने को मिलेंगे, जो भी आप चाहें वो अपनी फ़ोटो में डाल सकते हैं। तो हम अपनी फ़ोटो में आर्टिस्टिक 05 पे क्लिक करेंगे और फिर इसको कर देंगे सेव। और ये हमारी फ़ोटो फुल तरीके से एडिट हो चुकी है। अब आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, अब इसको कर लेंगे गैलरी के अंदर सेव और ये फ़ोटो हमारी हो चुकी है गैलरी के अंदर सेव। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।